हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हीटर लेकर आया हूँ जो कि लाइफ लॉन्ग का है, क्वार्ट्स रूम हीटर, जो कि ये हमारे एक 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और जो कि ये बजट फ्रेंडली है, ना ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसमें, बस मिनिमम इक्वल जैसा होता है कि बंदा खरीद सकता है इसको। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये आइटम नेम जेनरिक क्वार्ट हीटर है, ये मॉडल नंबर है ये, और जो कि इसमें MRP दिखा रखी है हमको 2000 रुपये। ये 2000 रुपये का दिखा रखी है, बट ये मिल जाता है आपको अमेज़न। मैंने ये 899 के ख़रीदा है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, साइज़ है इसका, नेट वेट 1.2 kg, इसका जो ग्रॉस वेट आता है ये 1.5 kg है। जो ये हमको कलर में वाइट में मिलता है, और कलर में तो नहीं आता, बस ये वाइट में ही आता है। इसका मंथ एंड ईयर December 2021 से है ये जो पैक हुआ था, और ये सब कस्टमर सर्विस सपोर्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके में क्या क्या मिलता है अंदर। एक सेकेंड, लाइफ लॉन्ग की इसमें ब्रांडिंग दी गई है टेप में भी। ये हमको यहाँ पे ये है हमारा हीटर देखिए, और इसमें कुछ नहीं मिलता देखिए, ये इसमें ये पाउच मिलता है ये बस, जो हमारा मेन हीटर है ये है। मेन हीटर में इसको लुक अच्छी है, प्रीमियम लगता है थोड़ा देखने में। है तो ये प्लास्टिक का ही, पर प्लास्टिक ऐसी लग रही है, अच्छी है देखने में। आप भी देखिए, ये इसमें दो हमको बटन दिए गए हैं जो इसमें, हाँ जो इसमें रोड दी गई है, ये इसमें 400 वाट की एक रोड है, यानी ये 800 वाट आता है कुल। हम इसमें एक भी चला सकते हैं, हम दोनों भी चला सकते हैं। जो इसमें आपको कंपनी ने मेंशन कर रखा है, एक वोट एक रोड 400 वाट की है, तो हम इसको बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी। ऐसी दो चटकनी है इसमें, और इसकी जो केबिल आती है ये भी अच्छी आती है, क्योंकि लोड है। और देखिए मेन चीज़ ये जो बटन आता है ये सबसे मेन होता है। मान लीजिए आपका हीटर गिर जाए या ऐसे हो जाए, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या ये पहले ऐसे आता था कि ये जो बटन नहीं आता था और ये हमारा गिर जाता था, तो ये चलता ही रहता था और कुछ हानिकारक चीज़ भी कर देता था, जल जाता था और चीज़, तो वैसे बढ़िया है आपको। चलिए हम एक बार इसका डेमो दिखा देंगे चलाकर, कैसे चलता है ये, इसका जो ये बटन मिलता है इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो दोस्तों देखिए, मैं अब इस प्लग को लगा देता हूँ पावर में, और मैंने लगा दिया है, तो मैं आपको ये वन बाय वन इसकी जो स्विचेस है ये मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए ये एक हो गया है ऑन, मैं एक बार दूसरा भी ऑन कर देता हूँ। तो ये दूसरा भी ऑन हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको गलती से ये हीटर ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, कैसे भी हो जाए, गलती से गिर जाए या, तो ये उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा जो ये मैं आपको बताया था, ये बटन होता है सेफ्टी स्विच, तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। ऐसे रखूँगा देखिए, ये मान लीजिए बंद हो गया ये, तो इसके लिए ये सेफ्टी स्विच बेस्ट होता है हीटर के लिए, कुछ आग वगैरह लगने का खतरा नहीं होता। तो देखिए मैंने ये पूरा ओवरऑल स्टार्ट हो चुका है, तो जो उसमें मैं हीटिंग अच्छी आ रही है, जो उसमें ये रिफ्लेक्टर दिए गए काफ़ी बेस्ट प्रीमियम लगते हैं देखने में, और जो इसकी हीटिंग है वे मेरे को क्या नाम है, फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई कोई जो हीटर आते हैं वो उसमें फ़ैन आता है, तो इसमें फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हीटिंग बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस हीटर के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज मैंने आपको दे दी होगी, तो अगर कुछ और क्वेरीज रह चुकी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए थैंक यू।